अस्सलाम वालेकुम। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है हैवल। हैवल जो कि फर्स्ट जनरेशन है, हैवल वालों की भी एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं है जो कुछ गाड़ियों में जो मैंने जिनके बारे में बताया कि उनमें बहुत मतलब गंदी क्वालिटी है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने आप को अमेरिकन से भी ऊपर का लेवल का समझते हैं, लेकिन वो हर मुल्क में अपने हिसाब के मुताबिक गाड़ियाँ देते हैं। तो इस टाइम पे ये वो गाड़ी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि ये तो चाइना का माल है, वो आपकी भी गाड़ी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। पेंट क्वालिटी में सबसे पहले ज़रूरी होती है, तो वो बहुत अच्छी है। फिर चीज़ों की प्लास्टिक की क्वालिटी, लाइट, मतलब इस तरह का मतलब मटीरियल किस तरह का यूज़ हुआ, तो बहुत अच्छा मटीरियल यूज़ हुआ। बाकी इंटीरियर प्राइस आपको दिखाएंगे, इसकी इस टाइम पे जो नॉइस प्राइस है वो तकरीबन 60-62 की है, और बाकी इस पर ऑन चल रहा है, और ये इस टाइम पे बुकिंग में 6-7 महीने लग जाते होते हैं। तो इसमें डिफरेंट इंटीरियर आए हैं, इसमें से एक ये इंटीरियर है, एक ये इंटीरियर है, इसके अलावा इसमें से वाइट, इसमें एक ब्रोनो और रेड आते हैं, ये सबसे खूबसूरत वाला इंटीरियर है। इसमें जो चीज़ मिसिंग है वो भी मैं आपको बता दूं, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे MG वगैरह में हैं। मिसिंग इसमें ये है कि इसकी जो फ्रंट सीट है उसमें एडजस्टमेंट नहीं है ऊपर नीचे की, और इसकी जो ट्रंक है ऑटो बूट वो नहीं है, बाकी इसमें सारा कुछ वैसी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और इसकी सबसे एक और अनोखी बात यह है कि इसकी कंपनी ये कहती है कि इसमें आईपेन डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब नॉर्मल फ्यूल पे चलाएंगे। बाकी ये ज़रा खुली गाड़ी चौड़ी गाड़ी है। बाकी जो इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन के अलावा इसमें हेड अप डिस्प्ले है जो कि MG वगैरह में नहीं है, वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको शो होता है मीटर। फिर जो LCD की बात की जाए तो LCD काफ़ी बड़ी है, इसमें एक स्मार्ट चार्जर भी दी है, और इसमें ये यहाँ पे मोबाइल रखने की भी जगह है, और एक यहाँ पे काफ़ी सारी जगह रखने की चीज़ें रखने की जगह है, कप होल्डर भी है, और बाकी इसके बैक साइड पर प्रॉपर चार्जर दिए हुए हैं जो कि मोबाइल आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ को अगर मैं हाथ लगाऊं तो उसमें जो क्वालिटी है ना वो आपको एक अच्छी और जैपनीज़ क्वालिटी याद दिलाएगी, ये नहीं होगा कि आप कहोगे कि यार ये चाइना की गाड़ी है। तो प्रॉपर मैंने आपको पहले बताया कि चाइना जो अच्छी चीज़ बनाए तो उनके लेवल बहुत ऊपर का है, लेकिन वो इत्तफाकन हमारे पास जो आती हैं हमारे कंट्री में चीज़ें वो गलत आती हैं, लेकिन जो चीज़ वो सही बनाए तो वो वाकई बहुत अच्छी होती है। चाबी से लेके गाड़ी की हर चीज़ मैंने चेक की है, गाड़ी कमाल है। रिम की बात की जाए तो रिम इस टाइम तो कमाल, मैं कहता हूँ सारी गाड़ियों में से सबसे खूबसूरत इस टाइम SUV में जो प्यारा रिम दिया तो वो दिया। फिर कुमुहू के टायर हैं, ये एक कोरियन टायर है, और ये बहुत अच्छे हैं।